चलो जो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का ब्लॉग इसी समय से शुरू हो रहा है। इस समय बज रहे हैं 12:30। आज वंशिका की पीटीएम थी, मैं पीटीएम से होकर आ रही हूँ, इसलिए इस मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि काम जल्दी जल्दी हो रहे थे और ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। आज सैटरडे है और इनके यहाँ सैटरडे को पीटीएम होती है। वंशिका के पेपर शुरू होने वाले हैं 6 अक्टूबर से, तो एग्ज़ाम से पहले इनके स्कूल में पीटीएम रखी जाती है ताकि बच्चे की जो भी वीकनेस है, जो भी प्रॉब्लम है, वो पेरेंट्स को बताई जा सके, इसलिए आज पीटीएम थी। उसके बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद फिर से पीटीएम होगी। आपसे मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से बात कर रही हूँ। अभी मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया हुआ है, इसलिए मैं फिर लाइव नहीं आती हूँ, लेकिन आगे मैं इसके बाद मैं आपसे कॉन्फिडेंशली मिलती रहूँगी। अब आज गणपति जी के विसर्जन, गणपति जी का 4th दिन है और मैंने अभी तक गणपति जी को कुछ भी अपने हाथ से बना के उनका पसंद का नहीं खिलाया है, इसलिए आज मैं जा रही हूँ उनके पसंद का भोग तैयार करने के लिए। आप भी देखिए कि मैंने भोग कैसे तैयार किया हुआ है। ये अभी देखिए, इस समय बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं और मैं सबसे पहले बनाऊंगी बेसन के लड्डू, जो मैंने घी में बेसन फ्राई करना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे इसको फ्राई कर लेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये सुनहरा नहीं हो जाता, हल्की इसमें महक नहीं आने लगती, तब तक इसको हम फ्राई करेंगे और इसको में घी डालते रहेंगे जिस हिसाब से घी की ज़रूरत होगी। जब तक इसमें नमी नहीं आ जाती बेसन में, तब तक हम इसमें थोड़ी देरी में घी मिलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं मिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा घी मिलाते हुए इसको हम कलारते रहेंगे। मैं एक साथ घी नहीं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके घी डालती हूँ ताकि अच्छे से उसमें घी मिल जाए और बेसन अच्छे से पक जाए। इस तरह से देखिए, और अब इसमें मैंने थोड़ा सा और घी मिला के बना दिया है। ये देखिए मेरा बेसन कितना अच्छा भुन गया है। घर अनन्या मेरे साथ है, थोड़ा इधर उधर कर रही है इसलिए हल्का सा नीचे लग गया था, वही मैं हटा रही थी। ये अच्छा सब अच्छे से भुन गया है लेकिन अभी भुरभुरा है, इसलिए थोड़ा सा घी मैं और डालूँगी। और ये देखिए मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अनन्या उधर झाड़ू लगा रही हूँ, आज उन्हें झाड़ू लगाने का बड़ा शौक रहा है, झाड़ू उठा के हर समय झाड़ू लगाती रहती हूँ। चलिए अब इसके बाद मोदक बनाएंगे, सूजी के मोदक बनाने जा रही हूँ। आप भी देखिए मेरे सूजी के मोदक कैसे बने हुए हैं। सूजी को मैंने घी, थोड़े से घी में, 2-3 चम्मच घी में अच्छे से कलार लिया। ये देखिए अच्छे से भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा हल्का भूनेंगे। उसमें फिर थोड़ा सा दूध और मलाई को मिक्स करके सूजी में डाल देंगे और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, इतना करना है कि सूजी अच्छे से फूल जाए और अच्छे से क्या कहते हैं उसमें बंधने लायक हो जाए। बस सूजी को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ मैं, बस ऐसे ही मैं भून लेती हूँ। ये देखिए मेरी सूजी बन के तैयार हो गई है मोदक बनाने के लिए। और ये मैंने मोदक बनाने के लिए अच्छे से सूजी को तैयार कर लिया है। अब सूजी को मैं बॉल में, कटोरी में निकाल के ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इनके मोदक बनाऊँगी। मोदक के बीच में भरने के लिए मैंने सामग्री तैयार कर ली है, उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी और किचन में अंधेरा हो गया था, तो इस चक्कर में मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। ये देखिए मैंने इसके बॉल्स तैयार कर लिए हैं। ये बॉल्स आपके नारियल के बुरादे और ड्राई फ्रूट से, काजू
काजू और बादाम ये सब मिक्स करके मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल के मैंने मिक्सर में चला के बना लिया है और छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं ताकि मैं उनको आसानी से मोदक के में रख सकूं बीच में और बना सकूं। इस तरह से मैं मोदक के सांचे के द्वारा सारे मोदक बना लूँगी। आप बताइए आप कैसे मोदक बनाते हो। ये मैं पहली बार बना रही हूँ। ये देखिए ये मेरे मोदक बनके तैयार हो गए हैं। अगले फ्राई मोदक में अगले पार्ट में बनाऊँगी।